चलिए आज हम मैंगो कलाकंद बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक कटोरी आम का पल्प लिया है। आम को मैंने अच्छे से छील के इसका पल्प निकाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। एक कटोरी हमारी पनीर है और एक कटोरी हमारी मलाई वाली दूध है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। इसमें हम एक चम्मच घी डालते हैं। अब इसमें हम मलाई वाली दूध डाल लेते हैं। अब इसमें हम आम का पल्प डाल लेते हैं। अब इसे हमें धीमी आंच पे चलाते रहना है। इसे अच्छे से हमें दूध में मिक्स कर लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल रामरति की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। एक इलायची को हम कूट के डाल लेते हैं। अब इसमें हम अपनी पनीर को डाल लेते हैं। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लें। तीन चम्मच इसमें हमें मिल्क पाउडर डालना है। नॉर्मल चम्मच जो हमारे घर में खाने वाली होती है उसी से मैंने तीन चम्मच डाला है। अब इसमें हम आधा कटोरी चीनी थी जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है उसे डाल देते हैं। आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारी बैटर गाढ़ी होनी शुरू हो गई। इसे 2 मिनट हमें और पका लेना है। बैटर हमारी गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल जमने की स्टेज पे ये आ गई है। तो चलिए इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने जमाने के लिए एक प्लेट लिया है, इसे मैंने घी से चिकना कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक चम्मच की मदद से इसे हम एक बराबर कर लेते हैं। इसे मैं स्क्वायर शेप कर रही हूँ, ऐसे करके इसे स्क्वायर शेप दे दें। अपने पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट को डाल दें। मैंने बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कर रखा है। इसे हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ड्राई फ्रूट अंदर चले जाए अच्छे से। इसे हमें 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में या फिर ऐसे ही खुले पंखे में रख देना है। 3 घंटे हो चुके हैं, बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने अच्छे हमारे कलाकंद बनके तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।